नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक गुप्ता, आप देख रहे हैं युग परिवर्तन यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, आज बसंत पंचमी का दिन है। आज इस दिन सरस्वती जी का पूजा होता है और आप देख सकते हैं, ये मैं आया हूँ सरस्वती शिशु मंदिर पचौर गांव में, और इस गांव के स्कूल में आप देख सकते हैं कि 100-200 बच्चे आके मिल के सरस्वती जी का पूजा कर रहे हैं। और आइए देखते हैं क्या क्या तैयारी है और क्या क्या होगा और आगे का आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये सभी बच्चे आए हैं सरस्वती पूजा मनाने, और आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या क्या तैयारियां हैं। तो पहले कौन बताएगा कि हमसे पूछिए। तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम अखिलेश कुमार गुप्ता है। अच्छा, तो अखिलेश जी, आप सरस्वती पूजा में आए तो क्या लेके आए हैं? हम सरस्वती पूजा में आए तो हम भाटा आटा लेकर आए। अच्छा, मतलब सब्जी, वो भाटे, ठीक ना? भाटे। और मतलब ये किस लिए? भंडारे की व्यवस्था है ना? हाँ, भंडारे की व्यवस्था है। अच्छा, और सब लोग ने नारियल लेके आए हैं? हाँ, ठीक है, नारियल भी है ना? हाँ। और तो और लोग आप लोग क्या लाए हो? हम लोग नारियल लाए हैं, जैसे सबको प्रसाद बांटने के लिए। अच्छा, आप नारियल, और हम भी नारियल लाए हैं आज। अच्छा, आप भी नारियल लेके आए हो, चलिए बहुत अच्छा है। और आप क्या लेके आई हो? नारियल। और आप? कुछ नहीं। किस क्लास में पढ़ती हो आप? वन में। अच्छा, और आप किस क्लास में पढ़ती हो? अरे आप नहीं बताओगी? हाँ, चलो ये लीजिए। आप क्या लेके आए हो? अंकु गुप्ता है ये लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंगलेश कुमार गुप्ता है, मैं कक्षा अष्टम में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आप क्या क्या यहाँ लेके आए हो आज? मैं यहाँ नारियल लेकर आया हूँ, आटा भाटा लेकर आया हूँ, और रिफाइंड भी लेकर आया हूँ, और कुछ सामग्री लेकर आया हूँ हमन के लिए। अच्छा, तो मतलब फुल तैयारी में है। तो क्या क्या कार्यक्रम हुआ? पहले तो आरती हुई, फिर पूजा हुआ, हमन हुआ, फिर हवन हुआ। हाँ जी। अच्छा, और फिर उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद वो भंडारा का कार्यक्रम आयोजन रखा गया है, महाप्रसाद जिसको बोला जाता है, सभी लोग साथ में बैठकर खाएंगे। अच्छा, तो आप लोग हर साल इसी तरह मनाते हैं? हाँ, हर साल इसी तरह मनाते हैं। तो आपने देखा, ये बच्चे बहुत ही उत्साहफुल हैं। और ये बताओ, हमको तो कोई प्रसाद ही नहीं दिया, हमको प्रसाद दो फटाफट, चलो। नहीं नहीं, प्रसाद आप लोग नहीं दोगे क्या? जितने सारे नारियल लेके आए हो आप लोग, प्रसाद दीजिए सब लोग। हाँ, प्रसाद। अच्छा, नारियल नहीं टूट रहा है? नहीं, किसी को दो ना, किसी भैया को दो तो वो तोड़ देंगे। हाँ, प्रसाद दो, प्रसाद देख रहे हैं आप लोग, प्रसाद का दो तोड़े, दो तोड़। और कोई है? दो तोड़े, दो तोड़े। ये प्रसाद बहुत हो गया है, तुम्हारा भी तोड़ दे, हमारे पास प्रसाद। देख रहे हैं, प्रसाद बहुत इकट्ठा होते जा रहा है, और भी बहुत लोग हैं देने के लिए। और कई यहाँ के जो सीनियर, जैसे कि आठवीं तक स्कूल है ना, आठवीं तक स्कूल के हैं, तो कुछ सातवीं आठवीं के बच्चे जो बड़े हैं वही पूरी तैयारी करते हैं। और बस बस बस, अब हम रखेंगे कहाँ? सातवीं आठवीं कक्षा। अब हमको रखने के लिए कुछ पन्नी उन्नी अगर कुछ हो तो, प्लास्टिक। चलिए, आप देंगे प्लास्टिक। देखा आपने, आज बहुत ही अच्छा दिन रहा मेरा भी, यहाँ सरस्वती पूजा इन छोटे बच्चों के बीच में आके मनाया, और बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया। और आप देख सकते हैं, सब बच्चे बहुत ही तैयारी के साथ आए हैं, वो भी आज संडे का दिन है, तो आज छुट्टी का भी दिन था, लेकिन सबने आज सरस्वती पूजा मनाने का पूरी फुल तैयारी से आए हैं। ये देखिए, ये आ गया है, इसमें हवन का सामान था क्या? लाया, पकड़े यार थोड़ा सा। Thank you.
की जय, सरस्वती माता की जय, दुर्गे मैया की जय, दुर्गे मैया की जय, हे हंस वाहिनी की जय, हे हंस वाहिनी की जय, हे जगत जननी माँ की जय, हे माँ जगत जननी की जय, वीणा वादिनी की जय, वीणा वादिनी की जय, गायभ्यो नमः स्वाहा, इदाय नमः स्वाहा। हवन की भी एक अलग कहानी है। हमारे पूर्वज कहते हैं कि हवन में डाली गई सामग्री जो प्रसाद सीधे हमारे आराध्य देवी देवताओं तक पवित्र अग्नि के माध्यम से जाता है। हवन की भी बहुत अच्छी विशेषता है कि ये वातावरण को शुद्ध पहुंचाती है और इसी वजह से सभी धार्मिक कार्यक्रमों में एक हवन का कार्यक्रम भी रखा जाता है। और आप देख सकते हैं बच्चे बहुत ही भव्य रूप से हवन कर रहे हैं। तो आपने देखा कितने बच्चे यहाँ पे आज मनाने आए हैं, लेकिन आइए कुछ जो लोग मेहनत किए, जितनी पूरी तैयारी किए हैं, आइए उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंसु गुप्ता है। तो प्रिंसु जी, आप तो मतलब आप लोग सुबह से यहाँ कितने बजे से आए हैं? सुबह 9 बजे से आए हैं। 9 बजे से। तो आप लोग जो ये भव्य मूर्ति का जो स्थापना हुई है, तो ये कहाँ से आप लोग व्यवस्था किए हैं? हम लोग बरगवां से व्यवस्था किए हैं। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर से आप लोग ये मूर्ति लाए हैं जी। और ये छोटे बच्चे हैं, तो आप लोग मतलब इसका जो खर्चा उठाया है तो वो कौन उठाया? वो सब हम ही लोग उठाए हैं, सब लोग चंदे के रूप में। चलिए, बहुत अच्छा रहा। और बाकी सरस्वती जी के बारे में आप लोग हर साल ऐसे ही मनाते जी? अच्छा, तो और सरस्वती जी के बारे में आप लोग कुछ बता सकते हैं जी? सरस्वती माँ एक बीड़ा वादिनी है, एक जान दायिनी है। उनके उपलक्ष में हम सब बसंत पंचमी के रूप में उनका पूजा करते हैं। तो देखने को देखिए आप लोग कि सरस्वती जी का कितना अच्छा यहाँ पे त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है, और भी संडे के दिन इतने लोग आके अपना समय दे रहे हैं और पूजा में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर एक अच्छा लाभ उठा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और इसी तरह आप लोग तैयारी करते रहिए, हर साल मनाते रहिए। बाकी आप लोग, मैं अगर रहूँगा तो आप लोग का हमेशा लेते रहूँगा, ठीक है? और आप लोगों को कैसा लगा मुझसे मिलकर और इस चैनल के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। इस चैनल के लिए यह कहेंगे कि जो भी इसे देखे तो जरूर लाइक करें। चलिए, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। तो सुना आपने, बच्चे का भी कहना है कि अगर जो इस वीडियो में इस चैनल पे पहली बार देख रहे हों, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है? धन्यवाद।